म्यांमार को जानने वाले इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि इस देश को कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था। इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा, जो कभी रंगून और कभी यांगून रहा। अब इसकी राजधानी नेपिदा है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं हिंद महासागर तथा दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में इंडोनेशिया देश स्थित हैं। बर्मी भाषा में ब्रह्मदेश को म्यांमार या बमा नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश राज के बाद इस देश को अंग्रेजी में बर्मा कहा जाने लगा। सन 1989 में देश की सैनिक सरकार ने पुराने अंग्रेजी नामों को बदलकर पारंपरिक बर्मी नाम कर दिया। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6,78,500 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार विश्व का 44वां सबसे बड़ा देश है। वहाँ आंग सान सू की नामक नेत्री महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर आगे की ओर बढ़ रही है। द लेडी के नाम से मशहूर इस नेत्री को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। म्यांमार की कुछ बातें जो उसे दूसरे देशों से अलग कतार में खड़ा करती हैं। म्यांमार की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में उसके अनुयायियों की तादाद बहुत ज्यादा है। म्यांमार में रेगिस्तान के अलावा सब कुछ है। सब कुछ बोले तो यहाँ की भौगोलिक खूबसूरती बेजोड़ है। पहाड़ियों की श्रृंखला, झरने और झील यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है। साल 1962 तक म्यांमार में सेना का शासन रहा है और यहाँ की अवाम ने सैन्य शासन के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है। बच्चों के जन्म के 7 दिनों के भीतर उनका नामकरण नहीं किया जाता। यहाँ लोग सोमवार, शुक्रवार और जन्मदिन के मौके पर बाल नहीं कटवाते। यहाँ $1 की कीमत 1031.60 लोकल क्यात है। क्यात यहाँ की करेंसी है। यहाँ के पैगोडा दुनिया भर से सैलानियों को आकर्षित करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खूबसूरती के मामले में इस देश को पूरी दुनिया में तीसरा स्थान दिया है। म्यांमार में मोटापे को स्वास्थ्य का पैमाना माना जाता है। अब इसे अच्छी बात नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आया। ऐसे और भी जानकारी के लिए हमारे बंगला बोस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।